बॉलीवुड में गोविंदा सर का उतना ही महत्व है जितना कि चाय में इलायची, यानी कि इनके बिना कोई स्वाद ही नहीं है और ना ही कोई रस। गोविंदा सर की फिल्में आपको कभी भी बोर नहीं करेंगी, हालांकि अब उनकी फिल्में आना ही बंद हो गई हैं। और आज बॉलीवुड का क्या हाल है वो तो आप देख ही रहे हो, लेकिन अगर फिर भी आपके जीवन में लाफ्टर मिसिंग है तो बस कुछ नहीं करना है, आप गोविंदा जी के इन फिल्मों को देख लेना जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, मजा आ जाएगा। इस वीडियो में हम गोविंदा सर के टॉप 10 कॉमेडी मूवीज की लिस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो समझ लो आपने कुछ नहीं देखा। नंबर 1, आंखें। इस फिल्म में आपको कादर खान, चंकी पांडे और गोविंदा जी की कॉमेडी आपको लोटपोट कर देगी, हालांकि कहीं कहीं आप रिश्तों के प्यारी सी खट्टी मीठी तकरार भी देखने मिलेगी। दूसरा है कूली नंबर 1। इस फिल्म का रीमेक हाल ही में आया था जिसमें सारा अली खान और वरुण धवन नजर आए थे और उन दोनों ने ये साबित कर दिया था कि बॉलीवुड उर्फ कॉपीवुड भले ही किसी भी मास्टरपीस का कॉपी कर ले, लेकिन कौवा हंस के खाल पहन लेने से वो हंस नहीं बन जाता। वरुण वाली कूली नंबर 1 को देखने के बाद दर्शकों की आंखों से खून निकल गया, और अगर आप भी उनमें से एक हो तो आपका बस एक ही इलाज है, आप जल्द से जल्द उनके ओरिजिनल मूवी को देख लें। 3, हसीना मान जाएगी। इस फिल्म में गोविंदा जी और संजय दत्त एक भाई के रोल में नजर आ रहे हैं, जिसमें गोविंदा चाचा और भतीजा दोनों ही बने हुए हैं। लेकिन इस फिल्म में मुझे अनुपम खेर जी की एक्टिंग सबसे ज्यादा प्यारी लगी, और ये मूवी फुल ऑफ फनी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी पड़ी है। नंबर 4 में हीरो नंबर 1। गोविंदा जी और करिश्मा कपूर की जोड़ी आज भी लोग मिस करते हैं। इस मूवी में आपको गोविंदा जी और कादर खान का रोल भी एज अ बाप बेटा नजर आएगा, जिसमें एक अरबपति बाप के बेटे यानी कि गोविंदा जी अपनी हीरोइन के घर में नौकर बन के रह रहे हैं। नंबर 5, जिस देश में गंगा रहता है। मुझे नहीं लगता इनकी ये मूवी किसी हिंदी बोलने वाले व्यक्ति ने नहीं देखा होगा। इसमें गोविंदा सर के मासूम अंदाज में फनी डायलॉग आपको हंसाएंगी भी और शायद कभी कभी रुला भी देंगे। नंबर 6, जोरू का गुलाम। ये एक नॉस्टैल्जिक मूवी है जिसे अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको हर बार ये मूवी नया ही लगेगा। इसमें आपको गांव के चुलबुले गोविंदा और शहर की नखरीली लड़की की कहानी को देखने मिलेगा, लेकिन इस फिल्म में हीरोइन से 100 गुना ज्यादा नखरीली इसकी माँ है। इस मूवी में अपनी सास को गोविंदा जी खूब सबक सिखाते हैं और भूत बनकर डराते भी हैं। इसे देखकर आप हंसते हंसते पेट पकड़ लोगे। नंबर 7, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूं कि इस मूवी के टाइटल पे मत जाएं। ये एक ऐसे लॉयर की कहानी है जो सारी उम्र झूठ ही बोलता रहता है, लेकिन एक दिन सच बोलने पर उसकी पूरी दुनिया पलट जाती है। इस फिल्म में गोविंदा जी की कॉमेडी लोटपोट है। नंबर 8 में है लाइफ पार्टनर। इस फिल्म में हमारे हीरो नंबर 1 को साइड रोल निभाना पड़ा है, लेकिन इसमें भी उन्होंने मेन हीरो से भी ज्यादा जान डाला है। इनकी कॉमेडी देखकर आप आजकल के बॉलीवुड मूवीज को भूल ही जाओगे। नंबर 9 में है साजन चले ससुराल। ये मूवी गोविंदा जी की जिंदगी में मचे उथल पुथल को बड़े फनी अंदाज में फिल्माया गया है, जिसमें आप देख सकते हो, और इस मूवी को देखने के बाद आप यही कहोगे कि छा गए गोविंदा गुरु। नंबर 10 में है भागम भाग। ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। इस मूवी को अगर आप 100 बार भी देख लोगे तो हर बार आपकी हंसी का लेवल कम नहीं होगा। यहाँ गोविंदा जी के साथ साथ खिलाड़ी कुमार का भी परफेक्ट कॉमेडी आपका दिल जीत लेगा, और इस फिल्म में और जान डालने के लिए शक्ति कुमार और रजत खान का कॉमेडी काफी है। हालांकि गोविंदा जी की मूवीज की बात करने बैठ जाए तो पूरा दिन निकल जाएगा, इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अगला पार्ट चाहोगे तो नीचे कमेंट में बताइएगा। साथ ही ये बताना मत भूलिएगा कि गोविंदा जी की इस लिस्ट में से आपने कितनी मूवीज देख रखी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।